पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में जल्द शुरू होगी नई बहाली प्रक्रिया। राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नौकरी देगी। देखिए 50% आरक्षण कोटे पर ही बिहार सरकार तैयार है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले पर सरकार को हरी झंडी नहीं मिली थी। अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश देखिए पुराने आरक्षण का जो प्रतिशत था उस पर ही कहा जा रहा है कि बहाली होगी और जल्दी ही बहाली प्रक्रिया शुरू भी होने वाली है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल देखिए बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है जो बहाली को लेकर इंतजार में थे, रिजल्ट को लेकर इंतजार में थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार से राज्य सरकार को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का फैसला था उसे सही करार दिया और 65% जो आरक्षण है वो बिहार में लागू नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी नहीं दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा जा रहा है कि लीगल एडवाइस लिया है और उसके बाद जो लीगली ओपिनियन लिया गया उसके आधार पर अब राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब 50% आरक्षण की सीमा के आधार पर ही बिहार में अब बहाली निकलेगी। और इसके साथ साथ जो पेंडिंग रिजल्ट है चाहे वो TREC की हो या फिर HM या हेड टीचर या बाकी विभाग में जो रिजल्ट है वह 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में कहा जा रहा है वैकेंसी निकलने वाली है। क्योंकि नीतीश सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि